गाइस अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ज़्यादा मज़े की फ्राई चना दाल बनाना सिखा रही हूं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैं ऑयल ऐड कर दूँगी। थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर प्याज डालूँगी। कर दिया, हम उसको ब्राउन होने तक, गोल्डन ब्राउन होने तक उसको फ्राई करेंगे। प्याज से गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है। हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। लहसुन का पेस्ट को मैं अच्छी तरह से इसमें फ्राई करूँगी। इसके अंदर मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। तो लहसुन का पानी, मतलब लहसुन के पेस्ट में जो पानी होता है वो, और टमाटरों का पानी वगैरह होगा इसके अंदर। तो ये आँच पर हमें इसको भूनना है। साथ ही में मसाले भी ऐड कर दूँगी। मसालों में हम इसके अंदर, मैंने तकरीबन 20 अदद दी होंगी, काली मिर्च, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा लिया और 8 लौंगे, नमक, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी। इसको हमें अच्छे तरीके से भूनना है। टमाटर सॉफ्ट होने लगेंगे तो फिर हम उसके बाद इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। तो होना स्टार्ट हो गए हैं हमारे, क्योंकि काफ़ी सारे, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुके हैं हमारे टमाटर काफ़ी हद तक। हमने इसके अंदर ये चने की दाल है, इसको मैंने हल्दी और नमक डालकर इसको बॉयल कर लिया था। बहुत ज़्यादा इसको मैंने बॉयल नहीं किया, मतलब इतना भी बॉयल नहीं करना कि पूरा ना घुट जाए, ऐसा हो। देखें आप लोग देख सकते हैं मैंने कितना इसको किया है। इसको मैं थोड़ा ज़ोर से दबा रही हूँ तो ये टूट गया। तो अब मैं इसको, दाल को ऐड करूँगी इसके अंदर। मैंने एक गिलास में इसका जो उबालने का पानी था ना, हल्दी और नमक वाला चने की दाल का, उसको मैंने एक गिलास में निकाल दिया और बाकी मैंने सारा वेस्ट कर दिया। तो ये है ना, ये मैं इसमें डाल दूँगी, पूरे डाल देती। देख आप लोग देख सकते हैं कि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको इतना हल्का चूल्हा कर दूँगी कि इसमें हल्का हल्का ऐसे बॉयल आता रहे। फिर मैं इसको ढक के पकने रख दूँगी। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के लिए मैं इसको ढक के रख रही हूँ। इसका पानी भी हमें खुश कर लेना है। ज़्यादा हल्का हल्की सी हमें ग्रेवी रखनी है इसमें और इसका पानी खुश कर लेना है। उसके बाद तक 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं। बहुत देख सकते हैं हमारी दाल का पानी भी ड्राई होने वाला है बिल्कुल। हमें बस इतना पानी रखना है, हल्का हल्का सा ना। तो अब मैं इसके अंदर, तो अब इस पॉइंट पर जब हमारी दाल कंप्लीट हो गई है तो उसके अंदर मैं हरा धनिया, हरी मिर्च और चिकन पाउडर और काली गरम मसाला डाल दूँगी इसमें। दूसरी तरफ मैं इसमें लहसुन का भगार की तैयारी कर रही हूँ। लहसुन का भगार भी लगा दूँगी। फ्राई चना दाल तैयार है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसको आप रोटी के साथ खाएं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।